ओके गाइस, तो मार्केट ओपन हो चुका है और मार्केट थोड़ा मोड़ा गैप अप ओपन होता है। ओपन होते ही ये डायरेक्टली ओपन होते ही ये यहाँ से सेल ऑफ में आ जाता है। वैसे तो मेरा यहाँ कहीं पे सेलिंग का प्लान कर रहा था जिस तरह से सेलिंग आया था, बट ये वाला कैंडल थोड़ा ऊपर के साइड मेरे को मिलता तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजिशन बना लेता, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट कंटिन्यूस डाउन साइड में गिरने लगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे सी साइड का एक पोजिशन बनाया है, बाई किया 42,100 का सी। करंटली 2,250 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और हमने इस वाले कैंडल पे बाई किया है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पे सी साइड का पोजीशन क्यों बनाया। मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मूवमेंट किया, वैसे में क्या हुआ है, नीचे का साइड जो भी बायर्स अपना पोजीशन बनाए थे मार्केट ने कम्प्लीटली उसको निकाल दिया है। ठीक है, अब नीचे का साइड ऐसा कोई एसएल है नहीं जिसको मार्केट जिसके लिए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम करे। अच्छा, एक मोमेंटम आया है, देखें तो अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। यहाँ से हमारा प्रॉफिट बढ़ के 400 450 के आसपास चल रहा है। ठीक है, चलने देते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे के साइड वैसे कोई भी एसएल है नहीं, बस प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट क्या हुआ, डाउन साइड आया, फिर यहाँ से अच्छा कैंडल बनाया, रिजेक्शन लेके फिर डाउन साइड आया, फिर मार्केट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं सेम पैटर्न रिपीट करने का कोशिश कर रहा है। तो ये सब बातें थोड़ा ध्यान में रखते हुए, और मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो कहीं ना कहीं एसएल अच्छा यहाँ पे सेलर का एसएल अच्छा खासा मार्केट को मिल सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी बना हुआ है। बस यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये थोड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए यहाँ पे, ये हमें ध्यान में रखना होगा। देखते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा हमें। इसके ऊपर ऊपर सेलर का एसएल मिलेगा, इसके ऊपर ऊपर थोड़ा मोड़ा सेलर का एसएल हमें मिल जाएगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट अभी यहाँ से कैसा मूवमेंट करता है। तो अभी एक छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी एक सेकंड पोजीशन फिर से बनाऊंगा, अभी नहीं, अभी थोड़ा 10:30 बज रहा है, अभी 11-12 बजे के बाद, 11-12 बजे के बाद फिर से सेकंड पोजीशन बनाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू 400-500 पॉइंट अच्छा फॉल दिया। डायरेक्ट नहीं कि मार्केट इस तरह से चला जाए ऊपर के साइड, तो ऐसा नहीं होगा। तो 12:30 बजे के आसपास हम फिर से ट्राई करेंगे एक बाइंग साइड का पोजीशन बनाने का, यहाँ पे अगर अच्छा सा सेटअप मिलता है तो।